शाहीन बाग में प्रदर्शन को भाजपा ने सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। वहीं भाजपा नेताओं ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाजपा ने कहा कि शाहीन बाग शेम बाग बन गया है, जहां संशोधित नागरिकता कानून के बारे में बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। भाजपा ने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों का कथित समर्थन करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर निशाना साधा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बयान दिया है कि वह शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं कि शाहीन बाग में अराजकतावादी अराजकतावादियों के साथ खड़े हैं और CAA के बारे में बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद विजय गोयल ने कहा, आम आदमी पार्टी जिम्मेदारियों से भाग रही है, आखिर आप नेता अब तक शाहीन बाग क्यों नहीं गए हैं? हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।